हेलो एवरीवन। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बुकोज रिले। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं बुकोज रिले दिखता कैसे। ये है बुकोज रिले। ठीक है, तो ये काम क्या करता है? जो बुकोज रिले होता है वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हो गया प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये चीज़। अब भी हो गया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड तो करता है किससे, यानी ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कैसे, किस तरीके से, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो लगा होता है वो हमारा जो मेन टैंक होता है, ठीक है, मेन टैंक और जो कंजर्वेटर टैंक होता है, ठीक है, ये कंजर्वेटर टैंक है, ये मेन टैंक है, इन दोनों के बीच में लगा रहता है बुकोज रिले। ठीक है, और ये क्या है, सीधे नहीं लगा रहता, ये मिनिमम जो होता है 3 to 7 डिग्री, ठीक है, 3 से लेकर 7 डिग्री के बीच में ये लगा रहता है। ओके, सीधे नहीं लगा रहता है क्योंकि इसके थ्रू से हमारा जो कंजर्वेटर टैंक है वहाँ से ऑयल इसके थ्रू से फ्लो होके मेन टैंक में जाता है। ओके, और इसका जो दूसरा नाम है वो है गैस एक्चुएटेड रिले। ओके, इसको और भी बोला जाता है गैस एक्चुएटेड रिले। ठीक है, तो ये यूज़ कहाँ होता है? ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे कि हमारा कूलिंग मीडियम ऑयल हो। ठीक है, ट्रांसफार्मर को कूल करने के लिए ऑयल यूज़ होता है। ऑलरेडी हम कूलिंग मीडियम डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कूलिंग मीडियम, जहाँ ऑयल का कूलिंग मीडियम यूज़ होता है वहाँ पे बुकोज रिले यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है बुकोज रिले। ओके, तो इसके अंदर इस तरीके का दो मर्क्यूरी का जो बटन रहता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, जब यहाँ से ऑयल फ्लो होता रहता है, इस तरफ से ऑयल फ्लो होता रहता है, दो मर्क्यूरी का जो बटन होता है, जब यहाँ पे कुछ गैस इंडिकेट होता है, मगर थोड़ा सा गैस होगा तो ऊपर जाएगा, अलार्म इंडिकेट करेगा, बहुत हाई गैस होगा तो नीचे मर्क्यूरी उसको इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर देगा और क्या करेगा, ट्रिप का सिग्नल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसी तरीके से ऑन मतलब बुकच रिले के अंदर दो मॉर्क्यूरी का बटन रहता है, जो कि एक अलार्म सिग्नल जनरेट करता है और दूसरा ट्रिप सिग्नल जनरेट करता है। ओके, तो अभी देखते हैं जो ये हमारा बुकच रिले है वो किस किस चीज़ों से हमें अलार्म प्रोवाइड करता है। ओके, पहला जो हो गया ऑयल लीकेज। जो ऑयल जो लीक होता है, उस अगर लीक होगा तो बुकच रिले क्या करेगा, एक अलार्म जनरेट करेगा। अगर ऑयल लेवल जो बुकोज रिले के अंदर, ये जो ओरिजिनल बुकोज रिले इस तरीके दिखाई देता है, इसके अंदर एक ऑयल इंडिकेटर रहता है, तो उसके अंदर अगर ऑयल इंडिकेटर के अंदर ऑयल लेवल कम हो जाए तो भी वो अलार्म जनरेट करता है। अगर ऑयल के अंदर कहीं से एयर घुस जाए मेन टैंक के अंदर, तो वहाँ से भी वो अलार्म जनरेट कर सकता है, क्योंकि एयर वो टैंक के अंदर घुस के बुकोज रिले के थ्रू से होकर कंजर्वेटर टैंक जाएगा, तो वहाँ पर क्या करेगा, वो अलार्म जनरेट कर देगा। ठीक है, अभी देखते हैं प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन, तो मेन जो इसका प्रोटेक्शन है वो पहला है कोर हीटिंग। ठीक है, फास्ट जो है वो कोर हीटिंग है, यानी कोर में किसी भी तरीके का कोई एक्स्ट्रा हीट जनरेट होगा तो ट्रिप करा देगा। दूसरा वाइंडिंग हीटिंग, ठीक है, जितना हमें हीट होना चाहिए उससे अगर ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, वो कोच के लिए ट्रिप करा देगा। और जो तीसरा है वो है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, इन मेन 3 चीज़ों से वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमें बुकोज रिले। ठीक है, इन 3 चीज़ों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अभी देखते हैं इसके अंदर कनेक्शन कैसा होता है बुकोज रिले के अंदर। ठीक है, तो ये जो बुकोज रिले होता है इसके अंदर इस तरीके का 2 बटन रहता है। ठीक है, तो इन दोनों में से, और यहाँ ऊपर देख सकते हैं 1 2 3 4 पॉइंट रहते हैं, 2 अलार्म के लिए, 2 ट्रिप के लिए। ठीक है, और ये दोनों जो पॉइंट रहता है, ठीक है, एक होता है अलार्म के लिए, एक ट्रिप के लिए, यानी हम किसी दिन मेंटेनेंस करें, बुकोज रिले खोल के साफ किए तो काम कर रहा है कि नहीं पता करने के लिए इन दोनों को प्रेस कर सकते हैं। इसको प्रेस करेंगे तो अंदर का जो अलार्म का मर्क्यूरी बटन है वो दोनों को शॉर्ट कर देगा और अलार्म सिग्नल प्रोवाइड करेगा। नीचे को प्रेस कर देंगे तो जो नीचे का मर्क्यूरी बटन है वो दोनों शॉर्ट होके ट्रिप सिग्नल को जनरेट करेगा। तो ये मैनुअली टेस्ट करने के लिए अलार्म का बटन और टेस्ट का बटन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है।
ठीक है, अंदर इस तरीके का कनेक्शन रहता है। तो ये हो गया ओवरऑल जितना भी बुकज डिले होता है उसका एक्सप्लेनेशन। और कुछ जानना है तो प्लीज़ नीचे बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।